बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्राफ्टिक और मुझे कहते हैं अब्दुलवहाब साफ़ी एक नई वीडियो के साथ। नाज़रीन, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने कंप्यूटर पे APK फाइल को, मोबाइल की जो एप्लीकेशन होती है वो हम अपने कंप्यूटर पे किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं। याद रखें, इंस्टॉल तो नहीं कर सकते लेकिन डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी मकसद के लिए। तो ये तरीका बताने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे ग्राफ्टिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कीजिए और साथ में इस बेल आइकन को भी लाजमी दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। तो आइए नाज़रीन चलते हैं और सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि प्ले स्टोर पर जब हम गूगल क्रोम से चले जाते हैं, play.google.com लिख के उस पर जब जाते हैं तो हमारे सामने सारी एप्लीकेशंस वो मौजूद होती है, जिस तरह के प्ले स्टोर के अंदर, मोबाइल के अंदर हमारे सामने नज़र आ रही होती है। तो ये फेसबुक है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है वगैरह, गेम्स हैं, जितनी भी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर में वो सारी यहाँ पे शो हो रही होती है। लेकिन मसला ये होता है कि जब हम इसको कंप्यूटर पर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ये देखें, यहाँ पर ये लिखा हुआ आ रहा होता है कि यू डोंट हैव एनी डिवाइसेस, के आपके पास कोई डिवाइस ही नहीं है, तो गोया कि कंप्यूटर पे ये एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं हो सकती। लेकिन हमें ज़रूरत है कि हम एप्लीकेशन डाउनलोड करें, सिर्फ पीसी पे इंस्टॉल तो नहीं कर सकते लेकिन डाउनलोड कर सकते हैं। उसका तरीका क्या है, तो आइए सबसे पहले आपने इसी तरह इस वेबसाइट पे आना है, play.google.com पे, और एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगी, सही है। उसके बाद एक दूसरी वेबसाइट आपने खोलनी है जो APK डाउनलोडर के नाम से है, और इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, और ये है apps.evoz.com, ठीक है, जो भी नाम है। तो इस पे APK डाउनलोडर पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये चीज़ हमारे सामने आती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एप्लीकेशन हमें दरकार है, मिसाल के तौर पर व्हाट्सएप एप्लीकेशन हमें चाहिए, सही है, तो इसको ओपन कर देना है। जब इसको ओपन कर चुके हैं तो यहाँ पे ऊपर की जो लाइन है URL वाली, ये URL सारे ये कॉपी कर देना है, ठीक है। इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, APK डाउनलोडर वाली फाइल आप ये जगह पेज आपने खोला होगा और यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है। जब इसको पेस्ट कर चुके हैं तो जेनरेट डाउनलोड लिंक पर क्लिक कर देना है और चंद ही सेकेंड के अंदर आपके सामने डाउनलोड लिंक वो आ जाएगा, और फिर ये जो ग्रीन बटन है इसके ऊपर क्लिक करके आपकी एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं 35 MB की फ़ाइल है और ये डाउनलोड हो रही है। उसके बाद आप इसको मोबाइल के अंदर डालें, एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर, और उस एप्लीकेशन को आसानी के साथ इंस्टॉल करें। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो काइंडली ज़रूर लाइक कीजिएगा, और कोई भी बात पूछने की हो या कोई बात समझना आई हो तो वीडियो दोबारा देख सकते हैं या पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।